नहीं मैं सही कह रहा हूँ, लोग मुझे ना क्या क्या समझ बैठते हैं सर। अभी मुकेश भाई के साथ में बम्बई कवि सम्मेलन करने के लिए गए तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए, आते हैं नहीं, ओ तेरे गोरे गोरे घालो पे घूंघट वाले बाल। मुकेश भैया के पास में गए कि होली की बख्शीश दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया। अर्जुन सुनो, उनको 100 का नोट निकाल के दे दिया, वो आगे चले गए। इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले इधर आप बेवकूफ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी घी से पैसे नहीं लिए। तो वो सबके सब कहने लगे साहब हम दिनेश देसी घी से पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते कि साहब नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा स्टाफ का आदमी है। हम तो मस्ती वाले लोग हैं, गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सर बोलनी पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी, क्यों बोलनी पड़ेगी, साउंड बढ़िया है। और साउंड का खेल होता है सर, अगर साउंड बिगड़ जाता है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। साउंड को सुधार कर रखिए। आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगती थी। छोटू तू मुंडा मत ला, तूने कहाँ देखी वो टेप रिकॉर्डर, वो पीके के पोस्टर में हाँ और कहाँ देखी होगा इसने, वही पीके के पोस्टर में देखी। वो टेप रिकॉर्डर देखी ना तूने, आमिर खान ने टांगी थी उसको, हैं ऐसी ऐसी वो। तो वो कैसेट जब चलती थी ना और कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। दीदी वो गाना ही ऐसा बजता कि आदमी का जी घबराए। पुरानी कैसेट उलझती थी, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या तकरी है। अरे भाभी सुनो आप, दीदी एक दादी माँ निपट गई हमारे गांव में नवरात्रि में, कैसेट लगा दी छोरों ने, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम वो किस्मत वाले। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दादी माँ निपट गई बिचारी। सर वो आपके जमाने में, सर आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन है ना। अब मुंडी ला छोड़ दू, कहाँ देखा तूने, वो ग्रामोफोन चलता था उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी घूमती थी, उस पर एक सुई लगती थी, वो सुई कहीं अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटका रहता था। अब उसी बोंगे में मालूम सर पंकज उदास की गजल लगा दी उसी में, अब वो पंकज उदास की गजल चल रही है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हमने वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है। अब वो चल रही है। डोली में जब बैठी बहना रस्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी रात भर यहीं अटकी रहेगी। हाल बुरा है, तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि कोई बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।
बोलनी पड़ेगी सर। और क्यों बोलनी पड़ेगी? पीछे वाले लोग भी बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। इस पावन माटी को माँ का दर्जा मिला है दीदी, इसी माटी को माँ का दर्जा मिला है। वरना आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलु अम्मा, भारत माता को ही माता का दर्जा मिला है। और कोई कहता है इस माटी को, ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। क्या होती है माँ? मेरी माता बहने यहां पर बैठी है, माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। माँ अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। और वो बेवकूफ कहता है कमल जी, मुकेश भाई साहब, कि मेरे गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। गोचर जी, भूपेन भैया, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, उनको मालूम पड़ गया आप तो। क्या होती है माँ? मेरी बहन यहाँ पर बैठी है, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, चार पंक्ति नई पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ कि माँ क्या होती है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन नगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया, तेरी सिस्की पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। हंसने वाली बात नहीं, बहुत बारीक बात कह रहा हूं मैं। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपने मां बाप को आश्रम में नहीं छोड़ा, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा, आज भी अपनी परंपरा को वो लोग मेहनत करके निभाते हैं। लेकिन हम पढ़ लग के ज्यादा क्या पैसे वाले हो जाते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते, आधुनिक हो जाते हैं। इतने आधुनिक मत बनो, आने वाली पीढ़ी, आने वाली औलाद भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ेगी। आधुनिकता आ गई साहब हमारे अंदर है? थोड़े दिन बाद इतने 60 हो गए, इतने 60 हो गए मुकेश भाई, दो अक्षर के नाम रखने लगे बच्चे के, पिंकी, पप्पू, गोलू, मोलू है? थोड़े दिन बाद एक अक्षर के नाम आ जाएंगे, क्या नाम है लड़की का? लड़के का पू। ये संस्कार होंगे हमारे है? बच्चे का नाम रख दिया, इसका नाम क्या है? ड्रू। ड्रू क्या नाम है? ड्रू। अब उसका बर्थडे मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे? हैप्पी बर्थडे ड्रू। ड्रू कैसे मनाएंगे वाला? वो केक के ऊपर थुकारे उड़ेंगे। हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे, श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिस्की पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, ये दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कवि सम्मेलन हंसाने का भी काम करता है और संदेश देने का काम करता है। देश के बड़े कवि संजय शुक्ला यहाँ पर बैठे हैं, देश के बड़े कवि मुकेश मोलवा जी बैठे हैं, हमारे कमल दादा यहाँ पर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। सुनना छोटू, मुंडी मत हिला,
सुनना, कहते कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां तीन चार बेटों को पाल लेती है, तुम तीन चार बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती है।